सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, आपके विंडोज 10 पीसी या फिर आपके विंडोज 10 लैपटॉप्स में जो भी आपने सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं उसको आप अगर मिनिमाइज़ करते हैं तो टास्क बार में तो उसका जो प्रीव्यू रहता है दोस्तों, उसके जो साइज़ को कैसे चेंज करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं कुछ सॉफ्टवेयर जो है मिनिमाइज़ कुछ एप्लीकेशन मिनिमाइज़ किया हूँ मेरे पीसी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो प्रीव्यू साइज़ है दोस्तों, इसको कैसे चेंज करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट मेरी इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो विंडोज़ की होल्ड करना है दोस्तों, आपको आर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है रिजिट एडिट। टाइप करने के बाद इंटर हिट करना है सिंपल से, और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा देगा। और यहाँ पे आपको टॉप साइड में कुछ फाइल पाथ कॉपी और पेस्ट करना है। जो फाइल पाथ है दोस्तों, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको वहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके इंटर हिट करना है। इंटर हिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टास्कबार, तो उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके न्यू में जाना है और यहाँ पे आपको DWRD 32 bit वैल्यू ये सेट करना है दोस्तों। और जस्ट आप राइट पैनल में यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया है, तो इसका नाम अभी आपको चेंज करना है। ये जो नाम है दोस्तों, ये भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट इसको रीनेम कीजिए इस तरीके से, कॉपी और पेस्ट कीजिए और इसको इंटर करके उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों वैल्यू डेटा, वैल्यू डेटा के अंदर आपको इंटर करना है 1 से लेके 500 के अंदर तक का नंबर आपको इंटर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंटर कर रहा हूँ 450। इंटर करने के बाद दोस्तों जस्ट ओके पे क्लिक करना है सिंपल से। ओके पे क्लिक करने के बाद आप अपनी रजिस्ट्री एडिटर क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, आपके टास्क बार में राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर को ओपन करना है दोस्तों। इस तरीके से ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं दोस्तों, विंडोज़ एक्सप्लोरर उस पर राइट क्लिक करके उसको जस्ट रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट पे क्लिक कीजिए और जस्ट आप अपना टास्क मैनेजर क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपना टास्क बार का प्रीव्यू देख सकते हैं, वो चेंज हो गया है। जैसे कि आप अभी मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप ईजिली आपके विंडोज 10 पीसी या फिर आपके विंडोज 10 लैपटॉप्स में टास्क बार के प्रीव्यू, जो भी आपके ऐप्स के प्रीव्यू रहते हैं दोस्तों, उसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इन फ्यूचर अगर आपको फिर से इसको रिस्टोर करना है तो जस्ट आपको सेम थिंग करना है, जो आपने फोल्डर क्रिएट किया था रजिस्ट्री एडिटर में जाके उसको डिलीट करना है सिंपल से। जैसे कि अभी मैं आपको करके बताऊंगा, तो जस्ट जो आपने फोल्डर क्रिएट किया था उसको डिलीट कीजिए। इस तरीके से डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको आप अपना टास्क बार पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आपने विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर को रिस्टार्ट किया था उसको फिर से आपको रिस्टार्ट करना है सिंपल, वो फिर से आपका ओल्ड वर्जन में चला जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको करके बताऊंगा, जस्ट राइट क्लिक कीजिए और जस्ट रिस्टार्ट पे क्लिक कीजिए, टास्क मैनेजर को क्लोज कीजिए और थोड़ी देर वेट कीजिए दोस्तों। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो ओल्ड था टास्क बार प्रीव्यू फिर से रिस्टोर हो गया है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इजीली आपके विंडोज 10 पीसी लैपटॉप में टास्क बार प्रीव्यू को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सिंपल सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के रिलेटेड जो भी डॉट्स है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप उन्हें डॉट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।